जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 की निकली भर्ती के बारे में। अगर आपने भी एसएससी सीजीएल 2024 की भर्ती में अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, एसएससी सीजीएल 2024 की भर्ती से रिलेटेड मैंने एक आरटीआई डाली है जो कि एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड है। तो इस आरटीआई में मैंने क्या क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी हेडक्वार्टर से, वो भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट 5 साल का ये डाटा है, 2019 से लेके 2023 तक का कंप्लीट डाटा है, और 2024 में भी मैंने कुछ डाटा जो है वो आपके लिए बनाया है जो कि एकदम करेक्ट ही रहना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, 2019 में 8,428 वैकेंसीज आती हैं जिसके लिए 21,77,843 बच्चों ने अप्लाई किया। 9,79,215 बच्चे एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए पहुंचे, जो कि परसेंटेज रही दोस्तों 44.96% की। तो दोस्तों, इस प्रकार जो पर सीट कंपटीशन रहा वो रहा 258 बच्चे पर सीट। 2020 की बात करते हैं दोस्तों, 7,108 फॉर्म आते हैं जिसके लिए 22,09,887 बच्चों ने अप्लाई किया। अटेंडेंस रही दोस्तों, जो एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए कितने बच्चे पहुंचे वो थे 7,16,408। ओके, तो परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस दोस्तों 32.4 बन रही, और यहां पर सीट कंपटीशन रहा 310 बच्चे पर सीट। 2021 की बात करते हैं, 7,621 वैकेंसीज आई थी, 19,63,324 बच्चों ने अप्लाई किया यानी कि फॉर्म फिलअप करे, 7,80,380 बच्चों ने यहां पर एग्जाम दिया एसएससी सीजीएल का, और परसेंटेज जो है दोस्तों वो रही अटेंडेंस की 39.74%। कुल मिला के दोस्तों यहां पर जो पर सीट कंपटीशन था फॉर्म भरते समय और एग्जाम देने के बाद में 257 बच्चा पर सीट। बात करते हैं दोस्तों 2022 की। 2022 में सबसे कम कंपटीशन रहा था, आप देख सकते हैं ओनली 93 बच्चे पर सीट। इतना कंपटीशन दोस्तों मैंने कभी नहीं देखा एसएससी सीजीएल में। तो केवल जहां पर 93 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, इसका कारण ये था कि यहां पर 2022 में जो वैकेंसीज आई थी वो 36,012 यानी कि रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसीज आई थी, जिसके लिए दोस्तों 33,55,194 बच्चों ने एग्जाम दिया फॉर्म भरे, और 16,16,687 बच्चे एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में पहुंचे। 48.18% यहाँ पर परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस रही, और पर सीट कंपटीशन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 93 स्टूडेंट्स पर सीट कंपटीशन यहाँ पर रहा, जो कि सबसे कम कंपटीशन था काफी सालों से। 2023 की बात करते हैं, वैकेंसीज आती हैं 8,415, 24,74,030 यानी कि 24,74,000 बच्चों ने इसमें अप्लाई किया, और एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में बच्चे पहुंचे 12,36,202। ओके, जो कि दोस्तों पिछले 4 साल से देखा जाए तो पिछले 5 सालों की सबसे हाई परसेंटेज थी किसमें, अटेंडेंस में। और यहां पर जो पर सीट कंपटीशन था दोस्तों वो रहा 294 बच्चा पर सीट। अब बात करते हैं 2024 में, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर इस बार काफी अच्छी आई हैं दोस्तों। 17,727 वैकेंसीज हैं जिसके लिए 36,73,453 बच्चों ने अप्लाई किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अटेंडेंस की, जो कि जबकि एग्जाम इस समय हुआ नहीं है तो अटेंडेंस का निकालना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में 50% बच्चे ने कभी भी एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए नहीं गए, यानी कि 50% भी अगर हम मान के चलते हैं फिर भी दोस्तों 18,36,726 ही टोटल बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे, इससे कम ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर दोस्तों इतने बच्चे भी जाते हैं जो कि मैंने मैक्सिमम लिए हैं, तब भी दोस्तों जो आपका मैक्सिमम पर सीट कॉम्पिटिशन होगा वो होगा 207 बच्चे पर सीट, यानी कि 207 में से एक के लिए सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इस बार भी दोस्तों कॉम्पिटिशन आप देख सकते हैं काफी कम है, केवल 2022 को छोड़ दें तो इस बार सबसे कम कॉम्पिटिशन रहने वाला है। ठीक है, ये जो पर सीट कॉम्पिटिशन है मुझे उम्मीद है कि 200 से नीचे आने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं 50% बच्चे कभी एग्जाम देने के लिए पहुंचे ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर दोस्तों 50,000 भी बच्चे कम हुए तो यहाँ पर जो पर सीट कॉम्पिटिशन है वो 200 से नीचे आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अब बता दूं दोस्तों वो आरटीआई के बारे में जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी,
तो चलिए फिर से चलते हैं हम उस आरटीआई पे। ओके, ये है वो आरटीआई जो कि मैंने एसएससी हेडक्वार्टर को दी है। इस आरटीआई में मैंने दोस्तों एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड एक सवाल पूछा है, जिसमें मैंने उनसे पूछा है कि पिछले 5 साल में एसएससी सीजीएल में कितने एक्स सर्विसमैन ने फॉर्म भरे, कितने एक्स सर्विसमैन ने एग्जाम दिए और कितने एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन हुआ। पूरी की पूरी जानकारी मैंने इस आरटीआई में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी हेडक्वार्टर से मांगी है। तो जैसे ही ये मेरे पास में आरटीआई का जवाब आ जाएगा एसएससी हेडक्वार्टर से, एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा केवल एक्स सर्विसमैन के लिए, जिससे उनको पता चलेगा कि उनका परिशीट कॉम्पिटिशन क्या रहता है और इस साल क्या रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।